तो मेरे पास एक डेटा है जिस डेटा में कई सारे टेक्स्ट है, जैसे सुजीत 1 2 3 एबीसी, ऐसे बहुत सारे नंबर है। मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि सिर्फ 1 2 3 को अलग कर दे। किसको अलग कर दे? 1 2 3 को। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे फंक्शन। किसका लगाएंगे? फंक्शन। फंक्शन में यहां हम देते हैं ext एक्सट्रैक्ट नंबर, एक्सट्रैक्ट नम के नाम से बनाते हैं। इनपुट में हमने बोल दिया कि n एज ए टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कि स्ट्रिंग, ये हमारा इनपुट हो गया। मतलब कि हमने फॉर्मूला क्या कर लिया? हमने फॉर्मूला को डिक्लेयर कर लिया, फॉर्मूला को डिक्लेयर कर लिया। और मैं यहां एक्सेल पे फॉर्मूला लगा सकता हूं सिंपली कि इक्वल ext नाउ। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है? तो बेसिकली हमें सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जितने भी करेक्टर है ना, सारे करेक्टर को रिप्लेस कर दें। अब करेक्टर से कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको स्काई टेबल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? स्काई टेबल। जैसे कि यहाँ पे हम MSG बॉक्स के अंदर एक शो करना चाहूंगा मैं आपको, या नीचे नीचे करता हूँ, ऊपर तो नहीं पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा MSG बॉक्स के अंदर में, यहाँ पे लगाया हमने ASC, और इसके अंदर मान लीजिए हमने इन्वर्टर को हमें दे दिया ए, तो आप देखेंगे कि एक नंबर देगा। क्या देगा? एक नंबर 65। मतलब हर करेक्टर को एक्सेल जो है, एक्सेल जो कोड फॉर्मूला है, वो कोड यहाँ ASC हो जाता है, एक कोड से जानता है। वापस अगर हम कैर करेंगे तो एक करेक्टर हो जाएगा। इसी की मदद लेंगे हम, कि हमारे पास लिमिटेड 26 लेटर है, हम हर लेटर को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो स्काई टेबल कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप, अगर आपने देखिए यहाँ पे मैं एक इमेज भी दिखाता हूँ, ये हमारा स्काई टेबल है। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि ए, अगर हमने 0 डालेंगे तो ए आएगा, 1 डालेंगे तो ए आएगा, 2 डालेंगे तो ए आएगा, उसी तरह से आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो करेक्टर है वो करेक्टर जनरली कहाँ से स्टार्ट है। तो आप देखेंगे कि स्टार्ट जो है वो है 65 से, और स्पेशल करेक्टर स्टार्ट कहां से है? तो ये हमारा जो स्टार्ट है 58 से, और कहां तक चला है? तो 127 तक। कहां तक? 127 तक। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 50 से 50 58 से लेके 127 तक का लूप लगा रहा हूं, और लूप लगा के हम एक एक करके सारे लेटर को डिलीट कर देते हैं, मतलब कि रिप्लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करेक्टर लेंगे कि डिम, हम देंगे यहाँ पे आर एज ए स्ट्रिंग, और आर इक्वल टू हम कर देते हैं एन। फिर करेंगे कि फोर आर इक्वल टू चले 58 टू 1127, और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू, हम एक रिप्लेस का फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सेल में सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसे यहाँ पे रिप्लेस होता है। रिप्लेस फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट में, जैसे कि R के अंदर किसी कैरेक्टर को, जैसे कि हमने यहाँ पे लग दिया CHR, जो कोड होता है यहाँ CHR होता है, CHR, और कौन सा? आई को क्या कर दे? तो हमने यहाँ पे बोला ब्लैंक कर दे, मतलब कि डिलीट कर दे, और कंटिन्यू पहले एक को, पहले 58 को, फिर 59 को, 58 को, ऐसे कर करके कर देगा। और CHR क्या है? देखिए एक्सेल में जैसे कि मान लीजिए कि आप ए लिखा, तो ए से आपका कोड फॉर्मूला बताया कि भाई ए का कोड फिर 65 है, तो फिर कैर फॉर्मूला क्या करेगा? इसका करेक्टर दिखा देगा। तो ये कैर फॉर्मूला जो है यहीं पे कोड पे करेक्टर बना देगा। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, देन हम करेंगे ext_num इक्वल टू आर। तो फॉर्मूला के मैंने बताया था लास्ट टाइम में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन, आपने फॉर्मूला को डिक्लेयर किया। दूसरा होता है कैलकुलेशन, आपने फॉर्मूले को कैलकुलेट किया। और तीसरा रिजल्ट असाइन करना, रिजल्ट रिटर्न करना। तो फॉर्मूला का नेम पे जो जहां पे रिजल्ट आपका है वो डाल दीजिए, वो फॉर्मूला नेम पे आपके पास आ जाएगा। अब चलिए यहां चलिए लगा के दिखाते हैं।
यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ ई एक्स सी, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए सिर्फ नंबर आया। पर जो नंबर है ना ये क्या आया, 1 2 3 आया। तो यहां मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप एज ए लॉन्ग कर देते हैं, इससे क्या होगा कि अब ऑटोमेटिकली आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, मतलब कि नंबर फॉर्मेट। मोहसिन जी समझ में आया, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं समझ में नहीं आया आपको? आया, नहीं फिर से बताइएगा प्लीज। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, आपको कहां पे प्रॉब्लम हो रही है? कोड को समझिए, कोड को पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए कहां दिक्कत है आपको। जो आर देखिए आर रिप्लेस कराए रिप्लेस ना, कराए, रिप्लेस हाँ वाला रिप्लेस समझ वाला में समझ। नहीं। देखिए हमने क्या किया, देखिए 100 रुपए देखिए इसको, ठीक है हमने क्या किया, 58 है, क्या है 58, 58 का कैर क्या होता है, कैर ए होता है, होता है ना ये वाला। तो हमने लगाया फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट में बोला कि भाई ये जो कैर का लेटर आया है इसको तुम कर दो किसमें, ब्लैंक में, ठीक है। ओके। और फिर हम वापस इसको असाइन कर दिए, आर वही आर हो जाएगा ना, ऊपर वाला आर नहीं आएगा, नीचे वाला आएगा, ये आर दे दिया हमने, ठीक है। और सेम सेम काम जो है अब ये कर रहा है, और 58 की जगह पे 59 हो जाएगा और कैरे हो जाएगा, और इसी प्रोसीजर को हमने 127 तक ड्रैग कर दिया। अगर हुआ नंबर तो रिप्लेस करेगा, ना हुआ तो ब्लैंक दे देगा, मतलब रिप्लेस नहीं करेगा, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट दे देगा, ठीक है। देखिए तो यहां पे देखिए इसने इसको किया, नहीं था यहां पे, हाँ यहां देखिए नहीं किया, ये नहीं था नहीं किया, ऐसे आते 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 नीचे आया। अब इसको जो है एक कैपिटल लेटर, फिर चेक किया स्मॉल लेटर, यहाँ यहाँ पे स्पेशल लेटर, फिर स्मॉल, देखिए यहाँ पे ए कर दिया रिप्लेस, एस यहाँ रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एस था, ये सुजीत आ रहा था, ये रिप्लेस हो गया, डिलीट हो गई ना, एस डिलीट कर दिया, ऐसे यहाँ पे ए डिलीट कर देगा, यहाँ देखिए ए डिलीट हो गया, बी सी आ गया ना, सी डिलीट कर दिया, यहाँ बी डिलीट कर दिया, सी डिलीट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ नंबर आ गया। फिर ऐसे यहाँ पे जे आया, इसने जे को डिलीट कर दिया, फिर आई को कर दिया, ई को कर दिया, एंड द लास्ट इसने सारे अल्फाबेट डिलीट करके सिर्फ नंबर बच गया। अब समझे कि नहीं? तो सेम कोड यहाँ कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला वीवीएम में क्या होता है, रिप्लेस फॉर्मूला होता है। अब क्लियर हुआ सर मोशन जी? जी, आप जी क्लियर जी हुआ। जी चलिए, तो इसमें आपने सी एच आर एस सी फॉर्मूला सीखा, सी एच आर फॉर्मूला सीखा, रिप्लेस फॉर्मूला सीखा, राइट। अब चलिए, हालांकि इसका यूज पहले हुआ करता था बट अब नहीं, लेकिन फिर भी चलते हैं। जैसे मैं अपना नेम लिखता हूं यहां पे कि सुजीत कुमार, यहां पे आईपीटी एक्सेल स्कूल 8802579388, और यहाँ पे आईपी, यहाँ पे कुमार एट द रेट आईपीटी इंडिया डॉट कॉम। अब इसमें से मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर अलग करना है, इजिली कर लेंगे क्या सर? तो हमने ईएक्सई फॉर्मा लगाया है ना, तो उसकी मदद से मोबाइल नंबर आ जाएगी। EXT अनम हो, ये एट द रेट का व्यंजन तो नहीं हो गया, डॉट और एट द रेट मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 127 से हमने लिया है तो उसमें डॉट वगैरह नहीं था। एक्सकाई वैल्यू पे देखिए, नहीं एट द रेट तो 64 पे आता है, तो फिर ये एरर क्यों दे रहा है? ईएक्सटी नंबर A1 एन एज स्ट्रिंग आर, यहाँ पे लिया हमने आर, ईएक्सटी नंबर इक्वल टू आर, तो के हमने लॉन्ग लिया हुआ इसलिए लॉन्ग हटा देता हूँ। अब क्या होगा, डबल क्लिक कीजिए एंटर, हाँ
वो बेसिकली स्पेस इसमें डाला है, डॉट डाला है ना सर, स्पेस और डॉट को रिप्लेस नहीं किया ना हमने क्या? तो आप ओके चाहते हैं कि रिप्लेस और इस सब हट जाए, तो क्या करें हम, क्या करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और ले जाएंगे 127 तक। कहां से? जीरो से, ठीक है, ओके जीरो से। और इसमें हम कंडीशन देंगे कि इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमें नंबर को एक्सेप्ट करना है ना, नंबर से स्काई टेबल पे क्या है, 48 से लेके 57 तक है। तो हम बोलेंगे कि आई जो है इज ग्रेटर देन, हमने बोला 57, ग्रेटर देन 58, और लगा दिया कि आई इज लेस देन इक्वल टू, हमने कर दिया यहाँ पे 47, ठीक है, देन ए करें, इसे क्या होगा एंड इफ। अब यहां देखिए, हो गया सर, सिर्फ नंबर आ गया। जी। तो नंबर रखिए, अब बात आती है ईमेल आईडी, हम ईमेल आईडी कैसे चेक करें। ओके, तो ईमेल आईडी में क्योंकि हमने बताया था कि नो नो कंडीशंस नो ऑटोमेशंस, तो कंडीशन ये है कि भाई सबसे लास्ट वाला है कि सबसे लास्ट स्पेस के बाद जो है उठा ले, ठीक है, क्या करे, सबसे लास्ट स्पेस से उठा ले। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहां देंगे हम फंक्शन, फंक्शन में ईमेल करके हमने एक फंक्शन बना दिया, इसमें एन एज ए हमने स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इन एस टी आर रिवर्स, एक इन एस टी आर होता है, जैसे एक्सेल में फाइन फॉर्मूला होता है ना, कि आप एक्सेल में यहां पे लगा लीजिए इक्वल फाइन, और फाइन में मैंने बोल दिया कि स्पेस कॉमा ए दे दिया और वन कर दिया, तो ए क्या किया, ए 7 दे दिया, बट ये आपको ये लास्ट वाला जो स्पेस है ना, ये कभी नहीं देगा, समझ गए। तो इन एस टी आर रिवर्स जो है ना, ये लास्ट वाला देता है, तो इन एस टी आर लगाते हैं तो फर्स्ट वाला होता है, और इन एस टी आर रिवर्स जो होता है वो लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, दो तरीके से करते हैं, एक हम यहां पे करेंगे इन एस टी आर रिवर्स, और रिवर्स के अंदर हम देंगे एन, और एन में हमें क्या करना है, तो हमें स्पेस ढूंढना है, ठीक। लेकिन फंक्शन जब भी लगता है एक वेरिएबल पे, तो हमने यहाँ पे आर इक्वल टू कर दिया, यहाँ डिम आर एज ए हम कर देते हैं लॉ। अब यहाँ ये हो गए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे ये जो रिवर्स है उसके बाद वाला सारा वैल्यू उठा लेना है। तो यहाँ सिंपल सा हम करेंगे, एक और वेरिएबल देते हैं डिम आर ई एज ए स्ट्रिंग, यहां करते हैं कि आर ई इक्वल टू मिड, एक्सेल का जो मिड फॉर्मूला है वो यहां चलता है, मिड किस पे चलाना है, मिड तो एन पे चलाना है, स्टार्ट कहाँ है, तो हमने बोला आर प्लस वन से स्टार्ट कर देना है, कितना डिजिट लेना है, तो हमने बोला कि लेन, लेन फॉर्मूला भी आपके एक्सेल का इसमें चलता है, तो लेन हमने बोला एन माइनस हमने बोल दिया आर, मतलब कि आपका लेन, और फिर हम यहां पे करते हैं ईमेल इक्वल टू आर ए, ठीक है। अब मैं यहां पे ईमेल आईडी के लिए फॉर्मूला ईमेल का लगाता हूं, ईमेल इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, देखा सर, कुमार अपडेट आईपीटी इंडिया हो गया। बट क्या प्रॉब्लम हो जब यहां बीच में हो, क्या हो, बीच में दिल्ली, समझे कैसे होगा सर, ये अब तो नहीं आएगा। तो अब यहां पे ये है कि एट द रेट के बाद वाला स्पेस और पहले वाला स्पेस के बीच की वैल्यू उठा ले, समझ गए। तो चलिए इसमें ए भी हम करते हैं, हम करते हैं यहां पे फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम देते हैं ईमेल, और ईमेल में हम देते हैं ईमेल टू कर देते हैं, अंडरस्कोर टू, ईमेल टू ही देते हैं यहाँ पे, ईमेल टू, और यहां पे देते हैं एन एज ए स्ट्रिंग, ठीक है।
अब यहां पे हम सबसे पढ़ते हैं ट्रिम, एस एज ए लॉन्ग, और फिर यहां पे हम करते हैं डिम, ई एज ए लॉन्ग, ठीक है सर। और यहां एस इक्वल टू हम लगाएंगे फॉर्मूला इन एस टी आर, जो एक्सेल का फाइंड होता है नो फाइंड, लेकिन उल्टा चलता है, ठीक है ना। नहीं इन एस टी आर नहीं, इन एस टी आर में हम यहां पे देंगे कि पहले से स्टार्ट करो, और यहां पे हमने एट द रेट दे दिया कि एट द रेट, और हमने यहां पे टेक्स्ट दे दिया, फिर नहीं इसमें एट द रेट नहीं, कहां से स्टार्ट करना है, किस में ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है एन में, और क्या ढूंढना है, तो हमने कर दिया एट द रेट ढूंढना है। तो ये क्या करेगा, एट द रेट के पोजिशन यहां पे ला देगा। अब मुझे एट द रेट के बाद वाला स्पेस चाहिए और एट द रेट के पहले वाला स्पेस चाहिए, समझे। तो मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला, यहां पे स्टार्ट पता चल गया, यहां पे एक और लेता हूं टिम ए एज ए लॉन्ग, ए की हो गया ए एज ए लॉन्ग, यहां पे हम लिखते हैं कि ए इक्वल टू यहां पे चले इन एस टी आर रिवर्स, और रिवर्स में मुझे एस प्लस वन से ढूंढना शुरू करना है, किसके यहाँ, स्ट्रिंग चेक, तो स्ट्रिंग चेक में मुझे देना है स्पेस, ढूंढना किस में है, एन के अंदर, कहां से, तो यहां एस प्लस वन से, समझे। तो एस प्लस वन से, तो ए वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं लगा के देखता हूँ, रुक जाइए। ईमेल ईमेल टू इक्वल टू हमने ए कर दिया, एक बार मैं यहाँ पे लगाता हूँ ईमेल टू का फॉर्मूला, ईमेल टू इसको सिलेक्ट कर लिया तो जीरो आ रहा है, हाँ उल्टा हमने लगा दिया इसलिए जीरो आ रहा है। ये वीवीए में कुछ और लगता है, एक्सेल कुछ और लगता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो मुझे ए के अंदर, इसमें एन के अंदर स्पेस स्पेस को ढूंढना है, वो भी एस प्लस वन। अब 41 आया, क्या आया 41। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मा लगाता हूं और इसमें से बोलता हूं कि 41 अलग करें, तो क्या आएगा, तो ये देखिए, मैं ए वाला स्पेस मिल गया मुझे, नंबर वाला स्पेस मिल गया ना सर। और फिर यहां ये हो गया हमारा, फिर यहां मैं इक्वल टू वापस लगाते इन एस टी आर, और इन एस टी आर के इन एस टी आर, और इसके अंदर हम बोलते हैं भाई स्टार्ट करना है आपको कहां से, तो आपको स्टार्ट करना है एस प्लस वन से, किस में, एन में, क्या ढूंढना है, तो हमने बोला स्पेस, ठीक है। मतलब अगर मैं ई करता हूं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो आएगा, तो इस एस कर दे स्पेस है ना, यहां ध्यान रखिए केस सेंसिटिव होता है, 60 आ गया ना, 4860। अब मैं यहां पे सिंपल मिड का फॉर्मा लगाऊंगा कि एन में से और ए से शुरू करो, और आपको क्या करना है, ई माइनस ए को दे दो। अब देखिए यहाँ आ गया ना सर, समझे, ईमेल आईडी आ गया।
अब इसमें क्या है, ईमेल आईडी का पोजीशन चाहे जो भी हो उससे ईमेल आईडी उठा लेगा। समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? सर ये तो एकदम ये तो एकदम ऊपर से चला ऊपर गया से मेरे चला तो। गया मेरे तो। सर ऊपर से क्यों चला गया, क्या दिक्कत आ रही है बताइए इसमें। देखिए हमें अलग करना है, आप समझ नहीं रह पा रहे, एक बार समझेंगे सही से तो पता चलेगा। प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है, हमें ईमेल आईडी अलग करनी है। अब हमें नहीं पता कि ईमेल आईडी कितने करेक्टर बाद या पहले, इतना पता है कि हम इतना है कि हमें एट द रेट के पहले वाला स्पेस से शुरू करना है, एट द रेट के बाद वाला स्पेस पे तक की जी वैल्यू जी जी उठानी है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली काउंट करूं तो 45 हमारा एट द रेट से पहले वाला स्पेस का लोकेशन है और 60 हमारा एट द रेट के बाद वाला लोकेशन है। तो मैंने यहाँ पे मिड का फॉर्मा लगाया और बोला कि भाई 45 प्लस से तुम स्टार्ट करो मिड, और नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए तुम 60 माइनस 45 कर दो। रिजल्ट आ गया, तो 40 होना चाहिए था, 45 कर दिया हमने। हाँ समझ में आया। अब मुझे ये 40 और ये 60 निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने इन एस टी आर रिवर्स का फॉर्मूला लगाया और हमने पता कर लिया एट द रेट का पोजीशन, जो कि एक्सेल में फाइंड फॉर्मूला होता है, पता है ना, यूज किया है ना फाइंड फॉर्मूला। तो फाइंड फॉर्मूले ने बता दिया कि भाई इसका 47 है, ठीक है, क्या है 47। अब हमने बोला यहाँ पे इन एस टी आर रिवर्स को बोला कि तुम लास्ट से 47 से, मैंने लास्ट, क्योंकि रिवर्स हमेशा यहां से चलता है ना सर, तो जी हमने बोला कि तुम यहां से काउंट करो जहां 47 करेक्टर पुर जाता है। 47 प्लस 1 करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस 1 हटा भी सकते हैं, कि 47 जहां मिल जाता है ना वहां से उल्टे तुम स्पेस ढूंढना शुरू करो। तो एट द रेट से उल्टे स्पेस, मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ, जब राइट से जब लेफ्ट की तरफ स्पेस ढूंढेगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जो कि 40 है ना, 40 ए मिलेगा। तो इसका लोकेशन इसने दे दिया 40, ठीक है। अब मुझे ए डॉट कॉम वाला स्पेस भी तो चाहिए, तो हमने इन एस टी आर को बोला कि जो 40, जो यहाँ पे 47 जो आया हुआ है, 47 जो कि एट द रेट है, वहां से तुम स्पेस को ढूंढना शुरू करो और देखो स्पेस कहाँ आ रहा है। तो जब वो एट द रेट से स्पेस ढूंढना शुरू करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा जो कि 60 है ना, समझे, 60 मिल गया। अब हमने मिड को बोला कि एन से जाओ, ए से स्टार्ट करो, ए कौन है, ए वाला, ए कुमार से पहले वाली स्पेस है ना, वहां से शुरू करो। और ई, ई कौन सा, 60, 60 मैंने 40, जितना करेक्टर होता है उतना करेक्टर उठा के मिड से दे दो। सिंपल तो है, क्या लगा, और समझ में आया आपको, समझे। तो इस तरह से यूज किए। तो इसमें आपने सीखा कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी करेक्टर को फाइंड करने के लिए इन एस टी आर का यूज करते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट चलता है, और इन एस टी आर रिवर्स जो कि राइट टू लेफ्ट काउंट चलता है। समझ गए? और मिड फॉर्मूला तो आपका एक्सेल का ही फॉर्मूला है, जो कि बीच से किसी वैल्यू को अलग करता है। क्लियर है? तो अब इसमें कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर दो नेम को ज्वाइन करना है, जैसे सुजीत और कुमार को ज्वाइन करना है, सुजीत एंड कुमार, तो हम इसको एंड परसेंट देते हैं ना, यहाँ पे स्पेस एंड एंड कुमार, एक्सेल में सेम चलता है, वीवे में सेम चलता है, ठीक है। से अब बात करते हैं कि कोई वैल्यू किसी किसी को फॉर्मेट पे लेना। जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट आया वो फॉर्मेट में नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने ये मोबाइल नंबर अलग किया, मैं चाहता हूँ +91 के साथ अलग हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मा लगा दिया, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जो टेक्स्ट का यूज करते थे ना कि +91, और यहाँ पे हमने 0 कर दिया, ठीक है, तो +91 दे देगा आपको यहाँ पे। या आ गया +91। तो जो टेक्स्ट फॉर्मूला पे जो हम कस्टम कस्टम फॉर्मेटिंग का जो कोड लगाते थे, वो कोड हम नंबर फॉर्मेट में लगाएंगे, ठीक है। इनिशियल समझा दिया, इनिशियल रिवर्स समझा दिया। अब बात करते एल केस, उसको बोलते हैं लोअर केस। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे
ईमेल आईडी निकाला, मैं चाहता हूं कि ईमेल आईडी अपर केस में हो, किस में हो, अपर केस में, चाहे दिल्ली अलग किया, सिटी अलग किया, दिल्ली, तो मैं चाहता हूं अपर केस में हो, तो यहां पे क्या कर देंगे, यू केस, यू केस एंड एल केस, यू केस अपर केस के लिए और एल केस लोअर केस के लिए, ठीक है, ओके समझ में आ गया, लेफ्ट राइट मिड, तो वही फॉर्मूला है जो कि एक्सेल का फॉर्मूला था। उसके बाद इसमें आता है ट्रिम, तो ट्रिम में यहां पे एल ट्रिम और आर ट्रिम होता है, ट्रिम समझते हैं ना क्या करता है ट्रिम, जैसे हाँ मैंने बहुत सारे स्पेस लगा दिया यहां पे, तो यहां पे ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, ट्रिम फॉर्मूला इसको स्पेस को रिमूव कर देता है। तो वीवीए में दो तरह के ट्रिम है, एक तो आपका ट्रिम है जो कि किसी भी तरह के स्पेस को रिमूव कर देता है, जो एक्सेल का फॉर्मूला है, दूसरा है एल ट्रिम, एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट से ट्रिम करता है, जैसे कि मान लीजिए ईमेल आईडी निकाला हमने, हमें लग रहा है कि ईमेल आईडी में स्पेस वगैरह हो सकता है, तो हम लेफ्ट वाला स्पेस हटाना है, तो यहां पे कर देंगे एल ट्रिम, तो एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट से जितनी भी स्पेसेस है सारे स्पेस को हटा देगा, ठीक है, आर ट्रिम राइट से हटा देगा, ठीक है, और एक है आपका स्प्लिट, तो पहले स्प्लिट का फॉर्मूला एक्सेल में नहीं था, बट स्प्लिट का फॉर्मूला एक्सेल और वीवीए दोनों में आ गया, जैसे सुजीत कुमार हमने सिंक कर दिया, मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे टेक्स स्प्लिट का फॉर्मूला है जो कि टेक्स को अलग कर देगा, स्पेस के यहाँ पे अलग कर दिया, सेम आपका वीवीए में स्प्लिट का फॉर्मूला है, क्या है स्प्लिट, कि यहां पे आपने कर दिया कि आर इक्वल टू स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर में हमने मान लीजिए टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, और डिलिमिटर बोल दिया कि स्पेस की भी यहां पे अलग कर, तो ये अलग अलग कर लेगा, जो एक्सेल फॉर्मूला वही स्प्लिट का फॉर्मूला है, ओके ओके अच्छा, जैसे आपने वो जैसे बताया आपने ट्रिम, बताया ट्रिम, वो स्पेस स्पेस को को डिलीट डिलीट करेगा क्या, करेगा क्या, अनवांटेड स्पेस अनवांटेड को डिलीट अनवांटेड स्पेस करेगा? को, अनवांटेड स्पेस को, ठीक है, ओके ओके जी क्लियर है जी विदाउट उसमें, तो ये हो गई नो हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मूला, अब हम बात करते हैं डेट की, ठीक है ना, तो डेट के फॉर्मूले हैं, डेट के फॉर्मूले में कोई खास नहीं है सर, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि एक बार जान लीजिए, जो कि एक्सेल का ही फॉर्मूला मोस्टली इसमें कवर होता है, ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे डिम, मैंने यहां पे डी टी एज ए डेट ले लिया, ठीक है, और डी टी के ऊपर मैंने डेट दे दिया, तो मैं करेंट सिस्टम डेट यहां पर अप्लाई हो गया, तो डेट कर सकते हैं, तो डेट सिस्टम डेट देता है, नाउ सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, और टाइम सिर्फ टाइम प्लॉट करता है, तीन फॉर्मूले समझ में आ गया, एक तो आपको मैंने बात किया डेट, दूसरा है हमारे पास नाउ, और तीसरा है मेरे पास टाइम, ओके, ओके उसके बाद मुझे यहां वाई इक्वल टू, मैं ईयर का फॉर्मा लगाऊंगा तो डेट से ईयर अलग कर दूंगा, मंथ का फॉर्मा लगाऊंगा तो मंथ अलग हो जाएगा, ठीक है डेट से ना, और यहां पे एक चीज होता है कि मंथ जो अलग हुआ तो मंथ जो अलग होगा तो क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 के में होगा, तो मैं यहाँ पे एम इक्वल टू, मैं यहाँ पे मंथ नेम लगा सकता हूँ, मंथ नेम में मैंने एम दे दिया और यहाँ पे ट्रू कर दिया, ट्रू मतलब कि शॉर्ट नेम चाहिए और फॉल्स मतलब पूरा नेम चाहिए, ये मंथ नेम आपको आ जाए, ठीक है, ओके अब डेट अलग अलग आपके पास है उसको जोड़ने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि डी डी टी इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया डेट सीरियल, तो डेट सीरियल से क्या होगा कि जैसे मैं 2023.3, हमने 23 तारीख कर दिया, तो ये डेट बना देगा, ठीक है, डेट सीरियल, अब आता है डेट पार्ट, क्या आता है डेट पार्ट, जैसे मान लीजिए कि मुझे किस डेट में से क्वार्टर अलग करने हैं, तो की इक्वल टू हमने यहां पे लिखा डेट पार्ट, हमें क्या अलग करना है, तो क्यू क्वार्टर अलग करना है, किस में से, तो हमने बोल दिया डेट में से, ठीक है, तो सिर्फ क्वार्टर जो होगा Q1 Q2 Q3 अलग कर देगा, क्वार्टर की जगह पे आप एम कर दे तो मंथ अलग हो जाएगा, वाई कर दे तो ईयर हो जाएगा, मतलब जो आपने अलग अलग लगाया है वो इकट्ठे एक फॉर्मूला यहां पे कर देगा, ठीक है, अगर डेट डेट के फॉर्मेट में नहीं है तो जैसे एक्सेल में डेट वैल्यू लगाते हैं, यहां पे डेट वैल्यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे टाइम डेट सीरियल है, ऐसे हमारा टाइम सीरियल होता है, जैसे कि एक समय टाइम फॉर्मूला होता है उस तरह से। जैसे यहाँ पे मंथ नेम है, ऐसे वीक नेम होता है। जो लिस्ट मैंने भेजा है ना, वो लिस्ट में इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आता है डेट ऐड। क्या आता है? डेट ऐड। मान लीजिए किसी डेट के अंदर में, डेट के अंदर में डीटी इक्वल टू, मैंने बोल दिया डेट प्लस 20, तो 20 दिन अलग कर देगा। लेकिन मुझे 20 दिन नहीं, मुझे मान लीजिए कि 3 4 महीने या 20 महीने ऐड करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है डेट ऐड। डेट ऐड के अंदर में आपको क्या ऐड करना है? तो मुझे मंथ ऐड करना है। कितना मंथ ऐड करना है? तो 3 मंथ ऐड करना है। किसमें करना है? तो डेट करेंट सिस्टम डेट में ऐड करना है। तो 3 महीने बाद का डेट डीटी पे स्टोर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो ये डेट ऐड फॉर्मूला होता है। तो डेट ऐड में यहाँ पे आया चीज है। अब बाकी लॉजिकल फॉर्मूला में करा दिया है मैंने आपको। अब कोई खास इसमें नहीं होता, इसमें एक डायरेक्टिव फंक्शन होता है जो कि मैं कल बताऊंगा कि किसी फोल्डर से फाइल कैसे लेते हैं, फाइल का नेम कैसे करेंगे, फाइल कॉपी कैसे करेंगे, रेम कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, ये चीजें हम आपको कल